पेशावर में पीटीआई रहनुमा अली जमान एडवोकेट नामालूम अफराद के हमले में जख्मी हो गए। वजीर आला अली अमीन ने लेडी रीडिंग अस्पताल में जख्मी रहनुमा की आयादत की है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे डॉनीज के नुमाइंदे अब्दुल हकीम महमद से। अब्दुल हकीम, वाकया कब पेश आया है और जख्मी रहनुमा की हालत अब कैसी है, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। ये जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट के साबिक सदर और जो इंसाफ लाइफ फोरम के सदर भी रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PK 73 के उम्मीदवार भी रहे हैं। रात गए नामालूम हमलावरों ने इन पर हमला किया और पुलिस के मुताबिक हमला छुरी और चाकू से किया गया है। तहम शदीद जख्मी हालात में उन्हें लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पे डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जबकि वाकई के फौरन बाद रात गए तक गुजराला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी अस्पताल का दौरा किया और डॉक्टरों को इलाज मुआवजे सही दुरुस्त सिमत कराने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। वाकया गुज़िश्ता रात पेशावर के इलाके फकीराबाद में ईदगाह रोड पर पेश आया। अब्दुल हकीम हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।